वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हमारे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का हम पार्ट 15 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 15 स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में हमने कैंसर स्टार्ट किया था, देखा था कैंसर क्या होता है, और फिर हमने देखा था कि कैंसर एक ट्यूमर होता है। फिर हमने ट्यूमर के दो टाइप देखे थे, मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट। हमने मैलिग्नेंट में जाना था कि एक ऐसा ट्यूमर जो उसी जहाँ से वो स्टार्ट होता है वहीं तक रहता है, ओरिजिन तक ही रहता है। बट नॉन मैलिग्नेंट ने हमने क्या देखा था कि वो कैंसर वो सेल्स जो रहेंगे वो कोई भी बॉडी पार्ट्स में जाके वहाँ ट्यूमर क्रिएट करेंगे, तो वो नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएगा। फिर हमने कैंसर्स के पांच टाइप देखे थे स्टूडेंट्स, क्या क्या देखे थे? कैर्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया एंड एडिनो कैर्सिनोमा। जिसमें से हमने कैर्सिनोमा में पढ़ा था कि जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज पे अगर ट्यूमर होता है तो हम उसे कैर्सिनोमा बोलेंगे। सार्कोमा में हमने पढ़ा था कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज पे अगर कोई ट्यूमर होता है, कोई सेल्स वहाँ पे ट्यूमर बनाता है, तो उसे हम सार्कोमा बोलेंगे। लिम्फोमा में हमने देखा था कि जितने भी लिम्फेटिक सेल्स में, लिम्फेटिक ऑर्गन्स में, लिम्फेटिक सिस्टम में कहीं पे ट्यूमर बनता है तो हम उसे लिम्फोमा बोलेंगे। ल्यूकेमिया में हमने सिंपली कहीं ट्यूमर नहीं बनने वाला है, वहाँ ब्लड सेल्स अनडिफ्रेंशिएटेड, अनकंट्रोल्ड, बिना काम के ब्लड सेल्स बनने लगते हैं, वाइट सेल्स बनने लगते हैं, तो उसे हम ल्यूकेमिया बोलते हैं, इसमें ट्यूमर नहीं बनता है। और एडिनोकार्सिनोमा में हमने देखा था जितने भी ग्लैंडुलर टिश्यूज में, जितने भी हमारे ग्लैंड्स वाले टिश्यू है, एड्रेनल ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, कहीं भी जो भी ग्लैंड है उसमें अगर कोई ट्यूमर बनता है तो उसे हमने एडिनोकार्सिनोमा कहा था। तो इस तरह से हमने पांच टाइप ऑफ कैंसर्स पढ़े थे स्टूडेंट्स, और जाना था कि कैंसर क्या होता है। तो हमने कैंसर का इतना ही पार्ट देखा था, बट हमने कॉजेज और ट्रीटमेंट अब तक नहीं देखा है। तो हम देख लेते हैं कैंसर्स के कॉजेज और कैंसर्स के ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। तो कॉजेज ऑफ ट्रीट कैंसर देखते हैं पहले, किस किन किन चीज़ों से कैंसर होता है। Although it is still not very clear as to how the cancer is caused, several factors are now known to be cancer cause. वैसे तो अब तक नहीं पता चला है स्टूडेंट्स कि कैंसर किस वजह से होता है। इतना याद रखना है स्टूडेंट, कैंसर हमारे बॉडी में से ही होता है, हमारे बॉडी सेल से ही होता है, हमें बाहर से यह डिजीज़ कहीं से नहीं आता है। तो अब तक नहीं पता चला है इतनी स्टडी करने के बाद भी कैंसर का रीज़न क्या है, मेन कैंसर होता क्यों है हमें। तो पर कुछ फैक्टर्स को देख के पता चला है कि इन इन चीज़ों से कैंसर हो रहा है, तो वो फैक्टर्स हम देखेंगे स्टूडेंट्स आगे। तो क्या क्या वो फैक्टर्स है स्टूडेंट्स? पहला है केमिकल, सेकेंड है रेडिएशन, थर्ड है वायरसेस, फोर्थ है ऑन्कोजींस, फिफ्थ है एडिक्शन। तो क्या क्या है? केमिकल्स, रेडिएशंस, वायरसेस, ऑन्कोजींस, एडिक्शन। तो ये पांच चीज़ें हैं जो अब तक पता चला है कि कैंसर इन रीजंस के वजह से कैंसर होता है या हो सकता है। तो ये एक एक करके हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम केमिकल्स, केमिकल्स के वजह से किस तरह से हमें कैंसर हो सकता है। तो देखते हैं, सेवरल केमिकल्स आर नोन टू इंड्यूस कैंसर, दिस इंक्लूड निकोटीन, कैफीन प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन ऑफ कोल एंड ऑयल। तो किन कुछ केमिकल्स को देखा गया है जिसके वजह से हमें कैंसर होता है, तो कौन कौन से? वो निकोटीन, कैफीन, ये ड्रग्स है स्टूडेंट्स, निकोटीन और कैफीन, और कंबशन, कोयले को जलाने के बाद का जो प्रोडक्ट रहता है अगर वो हम इनहेल करते हैं, वो हमारे बॉडी में आता है, तो उससे भी कैंसर हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो जाएगा, हो सकता है। और कुछ ऑयल्स के वजह से हमें कैंसर हो सकता है। तो कुछ केमिकल्स हमने देख लिया जैसे कि निकोटीन, कैफीन, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ कोल एंड ऑयल, इन सब चीज़ों के वजह से कैंसर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कैंसर इनके वजह से होगा ही, बट हो सकता है। 50-50% चांस ले सकते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। सेवरल पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सम सेक्स और हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड इफ गिवन और सिक्रेटेड इन अ लार्ज अमाउंट मे कॉज कैंसर। तो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो भी ऑयल्स, जो भी कोल हम जलाते हैं, उनके कंबशन के बाद का जो भी प्रोडक्ट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अगर वो भी हमारे बॉडी में ज़्यादा दिया गया या हमारे बॉडी में बन रहा है ज़्यादा, तो भी हमें कैंसर हो सकता है। कुछ सेक्स हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और भी जो सेक्स हार्मोन्स है,
उनके वजह से भी अगर वो ज़्यादा सीक्रेट होने लगते या हमें बाहर से वो दिए जाते हैं ज़्यादा, तो उनके वजह से भी कैंसर हो, स्टेरॉइड से भी कैंसर हो सकता है स्टूडेंट्स, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में लिए जाते हैं या हमें दिया जाता है या बनता है हमारे बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में, तो भी हमें कैंसर हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। ब्रेस्ट कैंसर सीम्स टू हैव हार्मोनल रिलेशनशिप, इट इज़ मोर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन वुमेन हु अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग। तो जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो हार्मोनल रिलेशन, मतलब हार्मोन्स के वजह से होता है वो, हार्मोन्स के वजह से, कुछ तो हार्मोन्स रहेंगे उनके वजह से होता है, अगर वो ज़्यादा सीक्रेट होते या कम सीक्रेट होते तो उनके वजह से भी वो कैंसर होता है। ज़्यादातर की ये कैंसर किस में होता है, जो जो लेडीज़ ब्रेस्ट फीड अवॉइड करती है, मतलब वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवाते अपने बच्चे से, तो उनमें ज़्यादा देखा गया है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है करके। तो ये एक ब्रेस्ट कैंसर का एक पॉइंट था स्टूडेंट्स, कि वो हार्मोन्स के वजह से होता है ब्रेस्ट कैंसर, तो ये आपको ध्यान रखना है कैंसर में। तो ये सब जो था वो केमिकल्स के वजह से, हार्मोन्स भी एक टाइप का केमिकल है, इसके लिए इसे केमिकल इसमें डाला है स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं सेकंड रेडिएशन, रेडिएशन किस तरह से रीज़न है कैंसर होने का, तो देख लेते हैं। द एक्सरे, गामा रेस, कॉस्मिक रे, अल्ट्रावायलेट रेस एक्सेट्रा आर कार्सिनोजेनिक। इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर इज हायर इन द पीपल वर्किंग इन वेरी सनी एरियाज ड्यू टू यूवी रेडिएशन इन द सनलाइट। तो जो एक्सरे है, जो गामा रेज है, जो कॉस्मिक रे है, अल्ट्रावायलेट रे, इनमें से रेडिएशंस बाहर आता है और ये कैर्सिनोजेनिक होता है। कैर्सिनोजेनिक मतलब जितने भी कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है, जितने भी कैंसर प्रोड्यूसिंग चीज़ें, उसे हम कैर्सिनोजेनिक बोलेंगे। तो ये सब जो रेडिएशंस रहते हैं हमारे स्किन्स पे अगर पड़ते हैं तो हमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। उन वर्कर्स को भी चांसेस रहते हैं जो कि धूप में काम करते हैं, उन्हें भी कैंसर होने का चांस रहता है, क्योंकि उन पे यूवी रेज का रेडिएशन पड़ते रहता है बार बार, तो उनके भी बॉडी पार्ट्स में कैंसर होने का चांसेस बहुत रहता है। ज़रूरी नहीं है कैंसर होगा ही, बट हो सकता है। तो ये सब रीजंस स्टडी करने के बाद देखे गए हैं, इसलिए बोल नहीं सकते कि इनसे ही होता है, पर हो सकता है। अब कुछ वायरसेस हैं जिनके वजह से भी कैंसर हो सकता है, तो देख लेते हैं वो कौन से वायरसेस हैं। वायरसेस कॉजिंग कैंसर हैव जीन्स कॉल्ड वायरल्स ऑन्कोजीन, वी ऑन जीन। दिस वायरसेस आर ऑल्सो कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस, एग्जाम्पल EBV, HPV। तो वायरसेस, कुछ वायरसेस भी है जिनके वजह से हमें कैंसर हो सकता है। इन वायरस को वायरल ऑन्कोजिन्स भी, ऑन्कोजिन का मतलब आपको समझना है कि ऐसे वायरस जो हमारे DNA में चेंज ला के हमारे में कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझना है स्टूडेंट्स, ऐसे वायरस जो हमारे DNA में चेंज ला के हमें कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इनके वजह से हमें कैंसर हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स EBV, एप्स्टीन बार वायरस, और HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ये वायरस क्या करेंगे, हमारे DNAs में, हमारे जीन्स में चेंजेस लाएंगे कुछ तो, और वहाँ से वो चेंजेस की वजह से हमारे अंदर दूसरे सेल्स बनने लगेंगे, कैंसरस सेल्स बनने लगेंगे, और फिर वो ट्यूमर फॉर्म करने लगेंगे। तो इस वजह से भी हमें कैंसर हो सकता है। तो ये है ऑन्कोजेनिक वायरसेस, इन्हें बोला जाता है क्योंकि ये हमारे जीन्स में चेंज लाते हैं। अब चौथा देख लेते हैं, ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स क्या होता है देख लेते हैं। सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन्स, सी ऑन जीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल, विच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। तो क्या होता है, कुछ जीन्स रहते हैं हमारे सेल्स में, हमारे नॉर्मल सेल्स में कुछ जीन्स रहते हैं जिसे हम सी ऑन जीन्स भी बोलते हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मल सेल्स में रहते कभी कभार ये कुछ कंडीशंस में एक्टिवेट हो जाते हैं, या तो हमारे अंदर रेडिएशंस पड़ता है तो इनके वजह से भी ये एक्टिवेट हो सकते हैं। तो ये कभी कभार एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, जीन्स में चेंजेस कर लेते हैं, खुद में चेंजेस कर लेते हैं, और इस चेंजेस के वजह से
हमारे कैंसरस सेल बनने लगते हैं और वो कैंसरस सेल ट्यूमर फॉर्म करने लगते हैं और फिर हमें कैंसर हो जाता है। तो कभी कभार हमारे जीन्स की खुद की गलती रहती है, हमारे जीन्स खुद चेंज हो जाते हैं और उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं, ऑनको जीन्स बोलते हैं, क्योंकि वो खुद में चेंज लाते हैं और उन चेंजेस के वजह से कैंसरस सेल बनता है और कैंसरस सेल बन रहा है तो ट्यूमर फॉर्म करेगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं, नॉर्मल सेल से बहुत ज़्यादा जल्दी डिवाइड होते हैं तो ट्यूमर फॉर्म होने ही वाला है, तो इस तरह से कैंसर। फिफ्थ देख लेते एडिक्शन, तो देख लेते एडिक्शन। एडिक्शन मतलब आपको किसी चीज़ की हैबिट लग जाती है, एडिक्शन, एडिक्ट हो जाते हैं आप उसकी तरफ। डिफरेंट टाइप ऑफ एडिक्शन लाइक स्मोकिंग, चीविंग और टबैको लीड टू कैंसर ऑफ माउथ, लिप्स एंड लंग। एल्कोहल कंसप्शन में रिजल्ट इन कैंसर ऑफ ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लिवर। ड्रग्स ऑल्सो कॉज कैंसर, एग्जाम्पल मैरिजुआना, एनारोबिक स्टेरॉयड एक्सेट्रा। तो आपको ये नॉर्मल सा पता है कि जो भी तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, तो उन्हें भी माउथ का कैंसर हो सकता है, लिप का कैंसर हो सकता है और लंग्स का कैंसर हो सकता है। अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो उससे हमारे ओसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, लीवर में भी कैंसर हो सकता है। और कुछ ड्रग्स है जैसे कि मैरिजुआना और एनारोबिक स्टेरॉइड्स, जिनके वजह से भी कैंसर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है होगा, हो सकता है स्टूडेंट्स। सो ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, एडिक्शन मतलब उसकी तलब लग जाती है स्टूडेंट्स। तो स्मोकिंग, चीविंग, तंबाकू, ये सब जल्दी छूटते नहीं है जो भी ये कंज्यूम करता है, तो इनके वजह से भी कैंसर हो सकता है। तो ये पांच टाइप्स ढूंढे गए हैं, ये पांच टाइप स्टडी किए गए हैं कि इनके वजह से कैंसर हो सकता है, वैसे कोई इसका फिक्स नहीं है कि इसी वजह से कैंसर हो सकता है। तो अब देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, क्या क्या ट्रीटमेंट्स है कैंसर के, तो वो देख लेंगे क्या है। कैंसर ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ थेरेपीज विच आर फॉलो। तो कैंसर ट्रीटमेंट्स में बहुत सारे थेरेपीज यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे नंबर्स ऑफ थेरेपी यूज़ किए जाते हैं, कैंसर ठीक करने के लिए बहुत सारे तरीके यूज़ किए जाते हैं। तो पहला है कैमोथेरेपी, सेकेंड है रेडियोथेरेपी, थर्ड है सर्जरी, फोर्थ है इम्यूनोथेरेपी और फिफ्थ है सपोर्टिव थेरेपी। तो ये पांच टाइप के थेरेपीज है स्टूडेंट्स, पांच टाइप के तरीके हैं जिनके वजह से कैंसर को ठीक किया जाता है। शायद पूरी तरह नहीं ठीक किया जा सकता है, पर ये बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं कैंसर को, अगर वो पहले, दूसरे, तीसरे स्टेज पे कैंसर होता है तो वो देख लेते हैं एक एक करके हम लोग। तो पहले देखते हैं कैमोथेरेपी क्या होता है। तो कैमोथेरेपी नाम से ही मालूम पड़ा है, केमिकल्स, कैमो मतलब केमिकल्स के वजह से कुछ तो होने वाला है। तो देख लें, कैमोथेरेपी कंप्राइजेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन एंटी कैंसर ड्रग्स। द एंटी कैंसर ड्रग चेक सेल डिवीजन बाय इनहिबिटिंग डीएनए सिंथेसिस और आर मोर टॉक्सिक टू कैंसरस सेल देन टू अ नॉर्मल सेल। तो कैमोथेरेपी क्या है स्टूडेंट्स, कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स बना चुके गए हैं, उनको यूज़ किया जाता है कैमोथेरेपी में, कुछ केमिकल्स बना चुके हैं, उन्हें यूज़ किया जाता है कैमोथेरेपी में। और ये एंटी कैंसर सेल क्या करते हैं, सभी सेल्स को चेक करते हैं हमारे बॉडी में और सभी सेल डिविजन्स को चेक करते हैं और उनके डीएनए सिंथेसिस को चेक करते हैं और जो भी कैंसरस सेल का डीएनए है उन्हें नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये समझना है आपको, जो भी कैंसर सेल का डीएनए, उन्हें नॉर्मल कुछ केमिकल्स दिए जाते हैं हमारे बॉडी में जो कि कैंसर सेल के डीएनए को चेक करेगा और उन्हें नॉर्मल सेल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है स्टूडेंट्स। केमोथेरेपी में लीड टू हेयर लॉस और एनीमिया बट बोथ गॉट करेक्टेड आफ्टर द ट्रीटमेंट इज स्टॉप्ड। तो कैमोथेरेपी क्या होता है, कैमोथेरेपी में क्या होता है, जब ट्रीटमेंट होता है तो हेयर लॉस भी होने लगता है तो, पर ये बाद में ठीक हो जाता है स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं सेकंड, रेडियोथेरेपी देख लेते हैं। रेडियोथेरेपी क्या है, इट इज़ यूज्ड इन एडिशन टू कैमोथेरेपी। इन रेडियोथेरेपी द बेसिक प्रिंसिपल इज टू बॉम्बार्ड द कैंसरस टिश्यू और सेल विद अ रे फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो ये जो रेडियोथेरेपी होता है वो कैमोथेरेपी के साथ साथ किया जाता है अगर ज़्यादा कैंसर हो गया है। तो इसमें क्या होता है,
हमारे जो कैंसरस टिश्यू है या कैंसरस सेल है उन्हें रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ बॉम्बार्ड किया जाता है, उन्हें रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ उन्हें ब्लास्ट किया जाता है, उनके तरफ वो जोर से ब्लास्ट किया जाता है हमारे कैंसरस सेल्स और कैंसरस टिश्यूज के पास रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को बॉम्बार्ड किया जाता है। तो ये होता है रेडियोथेरेपी, जो कि कैमोथेरेपी के साथ साथ ट्रीटमेंट में किया जाता है कैंसर्स के खिलाफ। सो फॉर ट्रीटमेंट द कैंसर टिश्यू और सेल आर एक्सपोज टू रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल सच एज कोबाल्ट, इरिडियम एंड आयोडीन। तो इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, जहाँ भी हमारा समझो कैंसर पार्ट है, कैंसर का जहाँ भी ट्यूमर है, कैंसर का जहाँ भी सेल है, टिश्यू है, उसे हम रेडियो एक्टिव मटेरियल में एक्सपोज कर देते हैं। उसे रेडियो एक्टिव मटेरियल में कहाँ करते हैं, एक्सपोज कर देते। तो कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कोबाल्ट, इरिडियम एंड आयोडीन, उन मटेरियल्स के साथ एक्सपोज कर देते, तो उनके रेडिएशंस के वजह से वो सेल्स क्या होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं स्टूडेंट्स। रेडिएशन के कारण क्या होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो इस तरह से रेडियोथेरेपी यूज़ किया जाता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो आपको समझ गया होगा किस तरह से रेडियोथेरेपी का यूज़ है, रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज़ करके हम कैंसर को ठीक करते हैं। द एक्सरे, गामा रे एंड चार्ज पार्टिकल आर यूज टू डिस्ट्रॉय द कैंसरस टिश्यू और सेल बट कॉज मिनिमम डैमेज टू द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू और सेल्स। तो कुछ एक्सरे, गामा रेज और चार्ज पार्टिकल में क्या होता है, रेडिएशंस निकलते हैं स्टूडेंट्स। ये रेडिएशंस की वजह से उन कैंसरस टिश्यू, उन कैंसरस सेल का डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन रेडिएशंस की वजह से ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बहुत ही मिनिमम डैमेज होता है हमारे नॉर्मल सेल्स को, क्योंकि सिर्फ उतना ही एक्सपोज किया जाता है जहाँ तक वो कैंसर होता है, और आजू बाजू के जो सेल्स रहते हैं वहाँ भी एक्सपोज होता है थोड़ा बहुत, बट उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ज़्यादा हमारे नॉर्मल टिश्यूज, नॉर्मल सेल्स इफेक्ट नहीं होते इन रेडिएशंस के, क्योंकि रेडिएशन सिर्फ उतने ही एरिए में किया जाता है जहाँ पे हमारे कैंसरस सेल होते हैं। अब थर्ड देखते थे सर्जरी। सर्जरी मतलब देख लेते हैं क्या होता है सर्जरी। इन सर्जरी द एंटायर कैंसरस टिश्यू और सेल आर रिमूव्ड सर्जिकली। तो सर्जरी में क्या होता है, जहाँ भी हमारा ट्यूमर होगा, कैंसरस टिश्यू होगा, कैंसरस सेल होगा, उन्हें निकाल लिया जाता है सर्जरी करके, ऑपरेशन करके। इट हैज़ लिमिटेड यूटिलिटी, ये बहुत कम किया जाता है। सो सर्जरीज बहुत कम किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है और कभी कभार कुछ सेल्स छूट जाते हैं तो फिर से कैंसर हो सकता है। इन सर्टन केसेस सच एज ब्रेस्ट ट्यूमर और यूटेरिन ट्यूमर द सर्जरी इज मोस्ट इफेक्टिव, बट अदर ट्रीटमेंट आर ऑल्सो गिवन टू किल एन कैंसरस सेल डैट मे हैव बीन एस्केप्ड। तो किन किन चीज़ों की सर्जरी किया, या तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो या यूटेरिन ट्यूमर हो, तब उनसी उनकी सर्जरी क्या होती है, इफेक्टिव, उनकी सर्जरी सक्सेसफुल होती है ज़्यादा, तो इसलिए इसमें इन कैंसर्स में ये सर्जरी किए जाते हैं। तो पर सर्जरी में एक चांस होता है कि कोई भी सेल अगर छूटता है तो चांस फिर से बनता है कैंसर होने का, इसलिए हम कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं उन कैंसरस सेल को मारने के लिए जो बच गए, एकाध जो भी सेल बच जाते हैं उन्हें, उनके लिए कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं अगर सर्जरी में वो कैंसरस सेल बच जाते हैं। तो ज़्यादा ब्रेस्ट के लिए और यूट्रिन कैंसर्स के लिए सर्जरी की जाती है क्योंकि उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल चांसेस होते हैं, बाकी सब चीज़ों में नहीं होते हैं। अगर एक भी सेल बचता है तो फिर से कैंसर होने का चांसेस होता है, और उस सेल्स को मारने के लिए, उस कैंसर सेल्स को मारने के लिए जो बच गए हैं सर्जरी में, उन्हें ड्रग्स दिया जाता है कुछ, तो जिसके वजह से वो भी मर जाते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है सर्जरी में। तो अब देख लेते हैं फोर्थ, इम्यूनोथेरेपी। देख लेते हैं इम्यूनोथेरेपी क्या है। अब ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, देयरफॉर द पेशेंट आर गिवन सब्सटेंस कॉल्ड बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर सच एज ए इंटरफेरॉन विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। तो आपको मालूम ही होगा कि हर सेकेंड हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो हर सेकंड कैंसरस सेल्स को हमारे बॉडी में मारते जाते हैं, जो गलत सेल है उन्हें मारते जाते हैं। इसीलिए पेशेंट्स को हम बाहर से बायोलॉजिकली रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स देते हैं, जैसे कि ए इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन का काम आपको पता है, वो दूसरे सेल्स के पास जाता है
और उन्हें एक्टिवेट करता है कि तुम्हें इन्फेक्ट नहीं होना है। तो कुछ इंटरफेरेंस बाहर से दिए जाते हैं जिनके वजह से इंटरफेरेंस क्या करते हैं, दूसरे सेल्स को बताते हैं कि तुम्हें इन्फेक्ट नहीं होना है। तो वो सेल्स उनके खिलाफ एक्शन लेने लगते हैं, जो भी कैंसरस सेल्स हैं उन्हें वो एज अ एंटीजन ट्रीट करने लगते हैं, बाहर का सेल ट्रीट करने लगते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उन सेल्स को मारने लगता है, ज़्यादा फास्टली उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इस तरह से भी कैंसर रोका जा सकता है, कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है। जहाँ भी वो ट्यूमर बना है हमारे खुद के अंदर के ही सेल्स हमें मार जाएंगे, इसमें कोई सर्जरी नहीं होने वाली, कोई केमोथेरेपी नहीं होने वाली है, कोई रेडियोथेरेपी नहीं होने वाली है। सो ये इस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं इम्यूनोथेरेपी से। अब देख लेते हैं सपोर्टिव थेरेपी क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, जिससे सपोर्ट मिल सकता है। सपोर्टिव थेरेपी इज़ यूज टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ कैंसर एंड साइड इफेक्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थेरेपी इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ कैंसर पेशेंट। दिस थेरेपी वेरीज डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ऑफ अ इंडिविजुअल पेशेंट। तो पेशेंट के कंडीशंस के हिसाब से सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है पेशेंट को। और क्यों दी जाती है, ये सिम्टम्स, कैंसर के सिम्टम्स को दबाने के लिए ये थेरेपी यूज़ की जाती है। और जो भी हमने कैंसर का ट्रीटमेंट किया है, कैमोथेरेपी किया है, रेडियोथेरेपी किया है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स को हटाने के लिए ये थेरेपी दी जाती है। सपोर्टिव थेरेपी नाम में ही सपोर्ट करेगा आपको दूसरे थेरेपीज़ के लिए। और ये किस लिए, कैंसर पेशेंट के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, पर कैंसर पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए। अगर वो ज़्यादा क्रिटिकल है तो ये नहीं किया जाएगा स्टूडेंट्स, और अगर कम क्रिटिकल है तो ये दिया जाएगा। तो ये सब जो टाइप्स है, ये जो हमने थेरेपीज देखी है, इनके वजह से कैंसर ट्रीट हो सकता है, इनके वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है स्टूडेंट्स। तो ये आपको पढ़ना है और आपको समझ गया होगा कि किस तरह से कैंसर जो होता है हमारे बॉडी का, हमारे बॉडी सेल्स खुद हमें हमें बनाती है, और हमारे बॉडी में ही वो कैंसर प्रोड्यूस होता है। कोई बाहर का एंटीजन इसमें पार्ट नहीं लेता है, कोई बाहर की चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर की चीज़ें हार्म नहीं कर रही है तो आप हेल्दी रहेंगे, पर अंदर भी कुछ चीज़ें होती है, कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाता है स्टूडेंट, नेचुरल डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जिसके वजह से भी डिजीज़ हो सकता है। तो ये भी आपको समझना चाहिए। तो ये था सपोर्टिव थेरेपी स्टूडेंट्स। आगे हम एक वीडियो में समझेंगे कि कैंसर सेल कैसे डिवाइड होते हैं, अनरेगुलेटेड सेल डिविजन कैसे होता है कैंसर सेल का। तो जो आप स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, वो नॉर्मल सेल्स है स्टूडेंट्स, वो नॉर्मल सेल डिवाइड होते हैं। ये रेड कलर के सेल्स नॉर्मल सेल्स है स्टूडेंट, वो नॉर्मली डिवाइड हो रहे हैं, धीरे धीरे वो डिवाइड होते रहते हैं। जो नॉर्मल सेल्स है वो डिवाइड हो रहे हैं, देखें ये रेड वाले सेल्स वो सब नॉर्मल सेल्स है, येलो वाले सेल्स वो सब नॉर्मल सेल्स है। तो धीरे धीरे डिवाइड होते हैं, धीरे धीरे डिवाइड होके ऐसे नंबर्स में चेंज हुए, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो अब ये जो है ये एक कैंसर सेल है स्टूडेंट्स, कैंसर सेल डिवीजन है। तो ये बहुत फास्ट होंगे स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं उनसे। हमने पढ़ा है कि कैंसर सेल ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये फास्ट होते ही जा रहे। तो उनको जगह भी मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स फैलने की, पर उन्हें जगह नहीं मिलती है तो वो ट्यूमर फॉर्म कर रहे हैं। देखो तो वहाँ पे ट्यूमर फॉर्म हो रहा है एक, वो सेल्स डिवाइड होते ही जा रहे हैं और बहुत फास्ट डिवाइड होते जा रहे हैं, तो वो ट्यूमर फॉर्म कर रहे हैं। नंबर ऑफ डेज से समझ लेते हैं, नंबर डे वन में देखिए वो दो में डिवाइड हुए हैं जो नॉर्मल सेल है, और ये चार पांच मल्टीप्लाई होते ही जा रहे हैं यहाँ पे, जो कैंसर सेल्स है येलो वाले जो सेल्स है वो कैंसर सेल्स हैं, और वो मल्टीप्लाई होते ही जा रहे हैं वहाँ पर ट्यूमर फॉर्म होते जाएगा, क्योंकि उन्हें जगह ही नहीं मिल रही है वहाँ पे फैलने की, तो वो ट्यूमर फॉर्म करते जाएंगे स्टूडेंट्स। सो ये आपको समझ गया होगा कि किस तरह से कैंसर का ट्यूमर बनता है स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में एक और ख़तरनाक बीमारी के साथ देखेंगे, एड्स को देखेंगे क्या होता है एड्स। अब तक हमने देखा कि बॉडी के वजह से कौन सी खतरनाक बीमारी हो रही है, कैंसर को देखा जो बॉडी में होती, अब ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है जो कि बाहर से आने वाली है।
इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट्स, आगे मिलेंगे एड्स डिजीज़ के साथ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।